सर बहुत माजरत के साथ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस खामोशी के ऊपर हमने भी तनकीद की और जान साहब बैठे हैं, भले वो उसको डिफेंड करें, खामोशी नजर आई। लेकिन खुर्रम साहब, मेरा ये गिला आपके कायद जनाब कादरी साहब से भी है, उनकी खामोशी भी। गुजरात का सबसे बड़ा कातिल नरेंद्र मोदी, 2000 से ज्यादा मुसलमानों की जानों का कसाई नरेंद्र मोदी, जिसको कहा गया इंडियन रिपोर्ट्स में, वेस्टर्न रिपोर्ट्स में, सर ताहिर कादरी साहब वहां पे गए तो भारतीय मीडिया की रिपोर्ट है। मैं चाहूंगा पहले आप वो मुलाहजा करें, हमारी आवाम भी देखे भारतीय मीडिया क्या कह रहा था ताहिर कादरी साहब की आमद पर और कादरी साहब ने खुद क्या कहा, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन किस मौका पर जिसको बोलना चाहिए था वो खामोश रहा। ये देखिए, पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे मौलवी ताहिर उल कादरी अभी दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन ये बात कम ही लोगों की कि कादरी पिछले साल भारत आए थे और गुजरात के वडोदरा में मोदी सरकार ने उनका शानदार स्वागत किया था। कादरी ने भी बेहतरीन मेजबानी के लिए मोदी सरकार की जमकर तारीफ की थी। ये तस्वीरें पिछले साल 24 फरवरी की हैं, जब ताहिर उल कादरी गुजरात के वडोदरा पहुंचे थे। वो यहां भारत में अपनी संस्था का दफ्तर खोलने के इरादे से आए थे। मोदी सरकार ने कादरी को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया था और खुद नरेंद्र मोदी ने कादरी को स्वागत पत्र भी भेजा था। कादरी ने भी मोदी की मेजबानी से गदगद होकर उन्हें शुक्रिया कहा था। अपनी भारत यात्रा के दौरान कादरी ने दोनों देशों के बीच अमन और भाईचारे की वकालत की थी। उसकी होम मिनिस्ट्री का और चीफ मिनिस्टर साहब का, कि जिन्होंने बहुत ज्यादा इहतमाम किया सिक्योरिटी का, स्टेट गेस्ट डिक्लेयर करके जेड प्लस सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे शहर में इन दिनों के लिए किए, और उन्होंने इस लिहाज से अपने फरीजा को अदा किया, तो मैं उन्हें भी इस अम्र पे और तामुन पे मुबारकबाद के साथ शुक्रिया अदा करता हूं। कादरी की संस्था दुनिया भर के 90 देशों में काम कर रही है। भारत में उनकी संस्था का मुख्यालय वडोदरा में है। शरीफ साहब जो है वो अगर साड़ी भेजे तो गलत, आम भेजे तो भी गलत, और अगर कुलभूषण यादव की पकड़े जाने पर खामोश रहे तो मैं मानता हूं गलत, कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस बात पर खामोश रहे तो गलत। लेकिन मैं ब्रेक के बाद ये जरूर पूछूंगा गंडापुर साहब से कि स्टेट गेस्ट आपने होना, आपने बनना कबूल कर लिया एक ऐसे शख्स का कि जिस पर मुसलमानों के खून का इल्जाम है। कादरी साहब से पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि गुजरात के हवाले से मैं यहां पर बात करने नहीं आया। तो जनाब मैं कैसे मान लूं, पर कादरी साहब अगर यहां पर आके कुलभूषण साहब की बात करते हैं, कुलभूषण साहब मेरे मुंह से निकल गया साहब साहब सबको कह कह के, कुलभूषण यादव की अगर वो बात करते हैं और वहां पर प्रोटोकॉल मिल रहा है, उस प्रोटोकॉल को ठुकराया नहीं गया बल्कि शुक्रिया अदा किया गया नरेंद्र मोदी जो उस वक्त वहां पे सीएम थे, अगर कोई ये कहे कि कादरी साहब को पता नहीं था कि सीएम वहां का है कौन, तो ये बात तो मेरे कयास में तो बिल्कुल भी नहीं आती। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पूछेंगे गंडापुर साहब से भी, जान अचक जई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कि कुलभूषण यादव का नाम लेने वाले पर तो हमने उंगली उठा दी, गुजरात के बड़े से बड़ा जो एक मैसेकर हुआ था बहुत बड़ा, उसका नाम जब नहीं लिया कादरी साहब ने, तो उनसे कौन ये सवाल पूछेगा।